प्यारे विद्यार्थियों, आज समर कैंप गतिविधियों के दौरान सुनो कहानी के द्वारा मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी पानी के संबंध में है कि आज पृथ्वी पर जो पानी है वो एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। पानी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इसी संबंध में एक मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है लापता पानी का मामला। क्या नाम है? लापता पानी का मामला। सभी विद्यार्थी कहानी को बड़े ध्यान से सुनोगे और बाद में मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगी, आप उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोशिश करें। रंज के गांव में जो पानी का तालाब था वो लगभग सूख चुका था। अज्जी बारिश के लिए प्रार्थना करने लगी। अम्मा ने घर में पड़े सभी बर्तन और बाल्टियों को इकट्ठा कर लिया था और उसमें पानी भर दिया। हमें ज्यादा से ज्यादा पानी इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, उन्होंने कहा। अप्पा ने थोड़ा गहरा खोदने के लिए औजार इकट्ठे किए। जब तक बारिश नहीं होती तब तक गुजारे लायक पानी हमें चाहिए होगा, उन्होंने कहा। रंज ने अपनी कापी और पेंसिल निकाली, फिर अपने दिमाग में पानी के बारे में सोचते हुए चल पड़ी। कौन चल पड़ी? रंज अपने अम्मा अप्पा के पीछे।